हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि कुछ इस तरह का डिजाइन कैसे करते हैं। ये फ्लैट में है, मतलब ये पूरा फ्लैट डिजाइन है, खाली ये जो जगह है ये जगह पे ग्रुपिंग हो जाएगा। तो कैसे इसे बनाते हैं देख लीजिए। सपोज हम विड्थ ले रहे हैं 25 इंच और हाइट जो है 36 इंच ले रहे हैं। ये कोना जो है ऐसे राउंड शेप में बनेगा। ऐसे राउंड शेप में अभी हमें करना क्या है, पूरा जैसे इधर ग्रुपिंग है इसे बनाना है। ये कोना और थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा है और थोड़ा सा कम कर देते बस। तो हमें करना क्या है, एक इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। हम इधर लिए थे कितना, 24 इंच बाई 36 इंच, तो इधर हम लेंगे 12 इंच बाई 36 इंच, इसका हाफ। तो ये लेने के बाद हम इसे इधर एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करने से ये देखिए पूरा कार्प में कॉन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका जो आधा हिस्सा, मतलब इधर एक पॉइंट लेना होगा, तो ये इसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डुप्लीकेट बनाएंगे। देखिए ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, फिर दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके बी एल, फिर ऊपर वाला हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद 36 है तो डिवाइडेड बाय 2, फिर इसे सिलेक्ट करके बी प्रेस करके, इससे क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर पॉइंट हमें दिख जाएगा। मतलब अगर दो पार्ट में इसे डिवाइडेड करें तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो हमें इधर ऐसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा जूम कर लीजिए और इधर कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका। फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद ऐसे शेप टूल लेते हैं और एक गाइडलाइन इधर लेके रख देते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पे ही इधर एक पॉइंट बनेगा, तो हम अभी इसे सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद इसे ये जगह पे छोड़ देते हैं, फिर हम इस ब्लू लाइन को डिलीट कर देते हैं। अभी इधर हमें एक पॉइंट लेना है, तो इधर पॉइंट कैसे लेंगे, शेप टूल लेकर इधर एक क्लिक करेंगे। करने के बाद इधर ऐड नोट्स, फिर इधर एक पॉइंट बन जाएगा। अभी हमें करना क्या है, ये जो गाइडलाइन हमने लिए है इसे डिलीट कर देते हैं ऐसे सिलेक्ट करके। फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद शेप टूल लेके इस साइड को ऐसे सिलेक्ट करके, मतलब इस नोट्स को डिलीट, और इधर भी ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट। फिर ये जो ड्राइंग है, देखिए ड्राइंग के बीच में कुछ गैप है, तो ये कितना एमएम का गैप रहेगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके इसके ऊपर रखेंगे, मतलब शिफ्ट प्रेस करके। देखिए इसे सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक, फिर बी एल, ऐसे हो गया। तो अभी इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे, देखिए ऐसे करके डुप्लीकेट कर लेंगे। करने के बाद कितना एमएम का गैप रहेगा वो हमें डिसाइड करना है। तो देखिए सपोज ये ऊपर और नीचे का जो गैप है, ये और ये मिडिल का जो गैप है, ये सपोज हमें 25 एमएम बोला जाएगा। तो देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना होगा 25 एमएम का, वैसे इसे इंच में है, इसे हम मिलीमीटर कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद 25 एमएम और इधर भी 25 एमएम। फिर हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मिडिल में रखेंगे ये जगह। मिडिल में रखने के बाद
पूरा पूरा मिडिल में कैसे रखेंगे देख लीजिए, मतलब ये तो अंदाजे से हो गया, पर पूरा लेना चाहिए कैसे देखिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर सी, ये पूरा सेंटर में चला जाएगा। तो ये 25 mm का गैप रहेगा। अभी और एक बात है, ये जो रेक्टेंगल है ये दोनों के बीच में अगर हम कुछ गैप रखना चाहते हैं, सपोज ये 12 mm का ग्रुपिंग होगा, तो इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके हिसाब कैसे करते हैं देखिए। 12 mm हमारा विड्थ होगा और 10 mm का सपोज ये कर्विंग होगा, मतलब ये जो ग्रुपिंग होगा उसका डेप्थ होगा 12 mm, विड्थ होगा 12 mm और डेप्थ होगा 10 mm। तो इसे हम ऐसे ड्रॉइंग करके रखते हैं, तो ये जो लाइन है इसी से ही हम ये काम कर पाएंगे, पर हमें थोड़ा देख लेना चाहिए कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। तो इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे करके इधर से बोथ साइड में अगर हम 6 mm 6 mm करके दे दे तो 12 mm हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे पहले सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद सपोज हम 10 mm करके दोनों को बीच में गैप रखेंगे, तो 10 mm ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे अगर 10 mm ऐसे हटा दे, देखिए 10 mm हटा दिया और इसे भी 10 mm राइट साइड में हटा दिया। अभी इसका इस साइड में 6 mm और इधर 6 mm, ये 12 mm हो जाएगा, और इधर 6 mm 6 mm 12 mm हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है इसे इस ड्राइंग के हिसाब से और थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि देखिए गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल को हम ऐसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं, फिर इसे सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर शिफ्ट क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर देते हैं, करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए ये कटिंग हो गया ट्रिम करने से, इसे अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके दोनों साइड में ऐसे बढ़ा देंगे, देखिए लाइन पूरा एकदम बराबर में रहना चाहिए। फिर इधर जो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल है इसे सिलेक्ट करके हम ऐसे डिलीट कर देंगे ऐसे। करने के बाद ये जो दोनों कार्ब जैसे बन गए इसे भी डिलीट करना है, तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ये डिलीट, फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद सेप टूल से ये पॉइंट को क्लिक कर लीजिए, ऐसे सिलेक्ट करके फिर सेप टूल से एक एक पॉइंट को हम डिलीट कर पाएंगे। तो ये ग्रुप में है, हमें इसे अनग्रुप कर लेना है, पहले सिलेक्ट कर लिए, फिर अरेंज अनग्रुप और, फिर देखिए ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर सेप टूल से ये एक एक नोट्स को हम डिलीट कर देंगे इधर। तो ये करने के बाद ऐसे सिलेक्ट रख के ही हम ये ड्राइंग मतलब काम कर सकते हैं, पर इसमें एक बात है कि इधर कितना रहेगा ये हमें नाप मतलब समझ में आना चाहिए। तो जैसे देख लीजिए हमने बोला है कि 12 mm का बीट हम यूज करेंगे, 12 mm एंड मिल एंड 10 mm डेप्थ रहेगा, तो हमने जिस तरह से ये ड्राइंग किए हैं ये होगा कि नहीं होगा एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आउटसाइड में अगर 6 mm 6 mm करके बढ़ा दे तो एक एक लाइन 12 mm का हो जाएगा, देख लीजिए आउटसाइड में 6 mm एक एक करके लेना होगा। इसे भी सिलेक्ट करके
अभी ये पूरा 12 mm का हुआ कि नहीं हुआ देख लीजिए, इसे ऐसे रख के राइट क्लिक। अच्छा, इसे अरेंज में जाकर ब्रेक फोर ऑब्जेक्ट इसे करना है, ब्रेक अपार्ट। ये करने के बाद किसी एक को सिलेक्ट कीजिए ऐसे राइट क्लिक। अच्छा, सेंटर में सिलेक्ट हो रहा है, सो अभी देखिए राइट क्लिक। फिर हम अरेंज ब्रेक कर्व अपार्ट करेंगे, करने के बाद इसे एकदम सीधा कर दीजिए। एक गाइडलाइन लेकर इसे इधर रखिए, फिर ऐसे क्लिक करने के बाद इसे ऐसे सीधा कर दीजिए। देख रहे हैं, देखिए 12 mm है। ये एक्चुअली थोड़ा सा एंगल बना हुआ है इसलिए 0.4 दिखा रहा है, पर ये पूरा 12 mm है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें इसे सिलेक्शन करना है। करने के बाद इसे अलग सा रख देते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं डुप्लीकेट बना के। फिर बाहर का जो ये रेक्टेंगल है इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक प्रोसेस। दूसरा एक प्रोसेस है वो दिखा देते हैं कैसे करते। सपोज ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, फिर हमें ऐसे बनाना है। तो अगर हमें पता चल जाए कि विड्थ कितना हुआ, सपोज हमारे पास जो एंड मिल है उससे बड़ा है, सपोज ये 15 mm का हो, तो हमारे पास 12 mm है, तो हम 12 mm एंड मिल अगर यूज ना करके 6 mm या 3 mm अगर यूज करें तो उससे भी ये ग्रुपिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास अगर सपोज मतलब 12 mm का अगर एंड मिल ना हो तो वो कैसे बनाएगा देख लीजिए। तो इसे ऐसे सिलेक्ट रखेंगे, फिर सपोज ये 15 mm, तो विथ 15 mm करेंगे। करने के बाद इसे CE प्रेस करके ऐसे सेंटर में रखेंगे, फिर देखिए इधर क्लिक कर लेंगे, करने के बाद ऐसे करेंगे। फिर छोड़ देंगे, तो ये देखिए सेंटर में हो गया। अभी मैंने जैसे बोला था कि कीबोर्ड के राइट साइड में एंटर के ऊपर जो प्लस साइन है उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, फिर मिरर हॉरिजॉन्टल देखिए ये ऐसे बन गया। फिर आपको क्या करना है, ये जो दोनों है इसे दोनों को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रुप कर लेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करके इस आउटलाइन को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके आप ये दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। करने के बाद इंटरसेक्ट, इसे करने से क्या होगा देखिए, बाहर का ये डिलीट हो जाएगा, जो अंदर में है वही दिखेगा। अभी हमें करना क्या है, इधर एक राउंड शेप बना के कटिंग कर लेना है, और कटिंग के टाइम पे कुछ ऐसा करना है कि ये राउंड दिखे। तो वो हम कैसे करके करेंगे देख लीजिए। सपोज इधर ये जगह ऐसे हो तो इसे सेंटर लेना है, तो शिफ्ट प्रेस करके ये बड़ा वाला राउंड रेक्टेंगल जो है उसे सिलेक्ट करना है इस राउंड के साथ, फिर CE, तो ये सेंटर में चला गया पूरा पूरा। फिर इसे सिलेक्ट करके अब इन दोनों के ऊपर रख के फिर ऐसे ट्रिम कर दीजिए। और ये ट्रिम करने से पहले और एक काम करना है जिससे कि ये राउंड बन जाए, वो कैसे होगा देख। हमें तो पता है ये 15 mm का है, तो हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे जो 15 mm का हो, ठीक है।
अभी इसे ठीक ऐसे जगह में रखना है, देख रहे हैं पूरा मिडिल पे। तो अभी फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसे लेकर सेंटर में लेके जा रखना है। और ये पूरा सेंटर हुआ कि नहीं चेक भी कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक बार क्लिक, फिर देखिए इसे हमें ये जगह पे रखना है। रखने के बाद कंट्रोल प्रेस करके इसे ऐसे लेफ्ट साइड में लेके जाइए, फिर कंट्रोल छोड़ दीजिए, फिर ऐसे करके रखने के बाद राइट क्लिक, फिर आप इसे और एक बार क्लिक कर लीजिए और फिर से ऐसे नीचे ले आके इधर रख के सेंटर में पूरा राइट क्लिक, फिर इधर भी ऐसे करके राइट क्लिक। ठीक है, अभी करना क्या है, ये जो चारों है एक बार देख लेना चाहिए, ऐसे देख लीजिए ये और थोड़ा इस साइड में जाएगा, इसे ऐसे करके हम रखेंगे बस। ठीक है, ठीक है, इधर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, अभी इन चारों को शिफ्ट प्रेस करके एक एक करके पूरा सिलेक्शन करके लेना है, फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और सिलेक्शन हुआ कि नहीं कलर चेंज करके देख लीजिए सिलेक्शन हुआ है, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस बड़ा वाला सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए, करने के बाद अब इसे वील्ड कर दीजिए, वील्ड नहीं सॉरी ट्रिम कर दीजिए, फिर इस चारों सर्कल को डिलीट, तो ऐसे बन गया। फिर इसे सिलेक्ट करके इस लाइन के ऊपर क्लिक करके फिर ट्रिम कर दीजिए, अभी देखिए तो ये चारों ऐसे राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे होगा क्योंकि बीट जो है वो एकदम सर्कल जैसा है, तो दोनों प्रोसेस से हम ये काम कर सकते हैं। अभी इसे कैसे यूज करेंगे और इस प्रोसेस को कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। तो पहले इसे यूज करके दिखा देते हैं, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद कॉम्बाइन, और ये वाला भी सिलेक्ट करने के बाद कॉम्बाइन करना है, तो अनग्रुप कर लीजिए पहले फिर कॉम्बाइन। तो इसे एक नाम देंगे, सिलेक्ट करने के बाद फाइल एक्सपोर्ट, सपोज इसे हम नाम देते V1, EPS में हम सेव एज टाइप रखेंगे एक्सपोर्ट, ओके। फिर दूसरा जो है इसे सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद फाइल एक्सपोर्ट, इसे नाम देंगे V2 एक्सपोर्ट, ओके। तो देख लीजिए दोनों सेम टाइप का ही है, आप ऐसे करके ड्राइंग करके इसे बना सकते हैं या तो ऐसे लाइन से भी इसे बना सकते हैं, तो देख लीजिए। फिर हमें आर्टकैम में जाना है, तो आर्टकैम में जाने के बाद क्रिएट न्यू मॉडल, फिर हम इन चीज में पहले सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जो मेटेरियल के ऊपर कटिंग होगा उसका एरिया इस साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम तो इसे पूरा पूरा आउटसाइड से कटिंग भी करेंगे, तो इसका साइज था हमारा 24x36, देखिए इंची में देख लीजिए 24x36। तो हम इधर क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, सपोज हम इसे 26 जो है, अच्छा 4x4 का ही पेज लेते हैं ऐसे। तो लेने के बाद हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करके ओके कर देते हैं, फिर विंडो टाइल वर्टिकल ऐसे हो गया, फिर वेक्टर से जाकर इंपोर्ट, तो पहले हम V1 को सिलेक्ट करते हैं, ओके। देखिए
मिडिल में अगर रखना है तो F9 प्रेस कर दीजिए, अगर थोड़ा सा ऐसे करके काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे पूरा पूरा अनग्रुप कर देंगे ऐसे करके, राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल। फिर हम क्या करेंगे, ये चारों जो लाइंस है इसे पहले शिफ्ट प्रेस करके हम सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद कंट्रोल जी। अभी दो टूल पाथ हमें इधर बनाना है, एक देखिए टूल पाथ के अंदर जाके देखिए, एक जो है ये मशीन अलोंग वेक्टर, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मशीन अलोंग वेक्टर में जाएंगे। और हमने बोला था कि 12 mm हमारा एरिया क्लियरेंस होगा और 10 mm का डेप्थ रहेगा, तो हम फिनिश डेप्थ इधर दे रहे हैं 10 mm, और हम 12 mm का एन मिली यूज कर रहे हैं। तो इधर जाके सिलेक्ट हम एन मिल लेंगे 12 mm। अगर एलुमिनियम के ऊपर कटिंग करें तो इधर एलुमिनियम सिलेक्ट रहेगा, अगर वुड के ऊपर हो तो ये नीचे का जो है देखिए ये स्टील के लिए है, इससे भी नीचे देखिए वुड एंड प्लास्टिक, तो ये वुड एंड प्लास्टिक वाला एन मिल आप सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद एडिट, अगर 12 mm से हम एक बार में काटना चाहते हैं तो ऐसे स्टेप डाउन रहेगा 10 mm, क्योंकि हम इधर 10 mm फिनिश डेप दे रहे हैं। और अगर इसे दो बार में काटना चाहते हैं तो 5 mm 5 mm करके भी कर सकते हैं। आपका मेटेरियल अगर हार्ड हो तो आप एक बार में काटने से दिक्कत हो जाएगा, आप इधर दो बार में कटिंग कीजिए 5 mm 5 mm करके। और मेटेरियल अगर आपका सॉफ्ट हो तो आप एक बार में ही कर सकते हैं, एक बार में स्टेप डाउन दे दीजिए 10 mm। ओके सिलेक्ट। इसके बाद सेटअप, सपोज ये हमारा 25 mm का मेटेरियल है तो ये ऊपर ऐसे सिलेक्ट रहेगा, फिर ओके कर दीजिए। अभी नाउ ऑप्शन पे क्लिक, देखिए ऐसे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने से ऐसे दिखेगा, फिर क्लोज। तो ये हमारा एक टूल पाथ बन गया, देखिए मेट्रिक मशीन वेक्टर्स एन मिल 12 mm। फिर हम इसे आउटसाइड से काटेंगे, तो इसे सिलेक्ट करके हम दूसरा टूल पाथ बनाएंगे 2D प्रोफाइल, इसे आउटसाइड सिलेक्ट रख के हमारा फिनिश डेप्थ कितना होगा 25 mm का होगा, क्योंकि मेटेरियल हमारा 25 mm का है, पूरा 25 mm कटिंग होगा। तो इधर प्रोफाइलिंग टूल में जाकर सिलेक्ट, इधर क्या करेंगे 12 mm से ही हम काटेंगे, तो वुड एंड प्लास्टिक जो है इधर एन मिल 12 mm एडिट। तो मैंने क्या बोला कि आपका मेटेरियल अगर हार्ड हो तो आप पार्ट में काटिए, मतलब 3-4 बारीक में काटिए, अगर आपका मेटेरियल सॉफ्ट हो तो आप एक बार में काट सकते हैं। सपोज हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि हमारा मेटेरियल हार्ड है, तो हम 25 mm को सपोज 3 बार में काटना चाहते हैं, तो देखिए कैलकुलेटर से हमें हिसाब करना पड़ेगा। कैलकुलेटर लेके देखिए हम 25 mm को डिवाइड बाई 3 तो कितना आ रहा है 8.33। अगर हम 4 बार में काटना चाहते हैं तो 25 डिवाइडेड बाई 4 6.25, मेरे ख्याल से यही सही रहेगा 6.25 जो। तो इधर 6.25 ऐसे रखते हैं, फिर ओके सिलेक्ट, फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए आउटसाइड से ऐसे बन गया, तो अभी ये कटिंग होगा कैसे देख लीजिए। तो अभी हम सिमुलेशन में जाकर ये कटिंग कैसे होगा इसे देखेंगे, देख लीजिए। पहले इसे ऐसे डिजेबल कर देंगे, फिर मशीन वेक्टर्स जो है मतलब ये जो है इसे पहले देखना है हमें, तो मशीन वेक्टर में जाके सिमुलेशन इसे सिलेक्ट रख के सिमुलेशन, फिर सिमुलेट टूल पर प्ले कर दीजिए। देखिए ऐसे करके पहले कटिंग होगा, फिर उसके बाद आउटलाइन, तो प्रोफाइल में जाएंगे प्रोफाइल टूल सिलेक्ट करके फिर सिमुलेशन में जाकर प्ले कर देंगे। देखिए तो ये कटिंग हो जाने के बाद ऐसे दिखेगा जैसे उस फोटो में हम दिख रहे थे, देख रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा तो ये तो हो गया, अभी दूसरा जो प्रोसेस मैंने बोला था उसे दिखाएंगे कैसे करके करना है।
देख लीजिए। अभी हम वेक्टर से इंपोर्ट करके जो V2 हमारा फाइल था उसे इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो इधर क्या करना है, मतलब पहले वाला जो प्रोसेस था वो भी एक प्रोसेस है और ये एक दूसरा प्रोसेस है। देखिए, इसे सिलेक्ट करने के बाद अनग्रुप करेंगे, फिर इन चारों को हम एक साथ में ऐसे सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद मैंने बोला था कि ये 15 mm का है और इसे हम 6 mm बीट यूज करके सब कुछ काटेंगे। मतलब आपके पास जो एन मिल है उसी एन मिल के साइज से अगर आप ये ग्रुपिंग का फाइल आपका हो तो आप उस बीट को यूज करके एक बार में काट सकते हैं। पर सपोज आपके पास 12 mm का एन मिल है और आपको ये फाइल दे दिया 15 mm का, तो उसे कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे पहले, फिर टूल पाथ में जाएंगे, फिर ये जो ऑप्शन है ये एरिया क्लियरेंस, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद फिनिश डेप्थ है हमारा 10 mm, तो ये ऐड कर लेंगे। करने के बाद सपोज 12 mm का एन मिल यूज कर रहे हैं तो 12 mm का एन मिल लेंगे, फिर हम इसे दो बार एक में काम को कंप्लीट करेंगे तो स्टेप डाउन 5 mm दे सकते हैं, और अगर एक बार में हम करना चाहते हैं तो 10 mm दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारा मटेरियल के ऊपर। तो ये जो एरिया क्लियरेंस है वो एक बार में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करने के बाद हम सेटअप में जाएंगे, हमारा ये 25 mm का है, ओके नाउ। तो देखिए ये हमारा एरिया क्लियरेंस बन गया, देख लीजिए ऐसे करके। तो ये कैसे दिखेगा देख लीजिए। देख रहे हैं, तो ऐसे करके ये एरिया क्लियरेंस हो जाएगा। अभी ये हो जाने के बाद हम बाहर का जो ये लाइन है इसे सिलेक्ट करके हम कटिंग करेंगे। सपोज और एक बात, सपोज हमारे पास 12 mm का एन मिल नहीं है तो हमारे पास 6 mm है, तो ये टूल पाथ कैसे होगा देखिए। ये सिलेक्ट करने के बाद खाली टूल को हमें चेंज करना है, ये टूल को रिमूव कर देते हैं, 6 mm वाला एन मिल सिलेक्ट करते हैं और सपोज हम 5 mm 5 mm करके दो बार में इसे कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे स्टेप डाउन 5 mm रखेंगे, फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए पूरा ऐसा हो जाएगा। फिर ये सिमुलेट में जाकर आप देख सकते हैं, मतलब ये थोड़ा बारीक में चलेगा 3-4 बार में। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, देख लीजिए। तो आप सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि टूल पाथ को कैसे करके ये करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा 2D प्रोफाइल टूल पाथ है उसे बनाना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद हम इसे ऐसे डिसिलेक्ट कर देंगे और ये करने के बाद हम 2D प्रोफाइल टूल में जाएंगे। एक सेकंड, देख लीजिए। तो ये हो जाने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं, फिर ये आउटलाइन जो है इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद 2D प्रोफाइल में जाएंगे, जाने के बाद ये फिनिश डेप्थ 25 mm, तो इसे आप पहले जो फाइल मैंने दिखाया ये उसी तरह से आपको काटना है। आउटसाइड सिलेक्ट करके सपोज 12 mm का एन मिल यूज कर रहे हैं तो आप एक बार में ना काट कर दो बार में काट सकते हैं। मटेरियल अगर सॉफ्ट हो और मटेरियल अगर हार्ड हो तो थोड़ा बारीक में आप कटिंग कीजिएगा। सपोज हम 4 बार में काटना चाहते हैं तो ये 6.25 होगा, ओके सिलेक्ट, फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक। और ये कटिंग कैसे होगा देखिए, पहले जैसा ही होगा ये।
ऐसे कटिंग हो जाएगा। फिर आपको टूल पाथ में जाकर इस टूल पाथ को सेव करना है, और कैसे सेव करना है वो तो आपको पता होगा। देखिए टूल पाथ में जाइएगा और सेव टूल पाथ एज, तो पहले हमारा जो है एरिया क्लियरेंस, तो इसे सिलेक्ट करके ऐसे सेव कर लीजिएगा। फिर इसे ऐसे रख के ये एंड मिल जो है दूसरा जो कटिंग होगा बाहर का, इसे ऐसे सिलेक्ट करके सेव। और इधर आउटपुट फाइल फॉर्मेट जो है ये रहेगा मॉडल मास्टर 3 एक्सिस पर। तो ऐसे करके इस तरह का डिजाइन हम 2D प्रोफाइलिंग यूज करके काट सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।